Hello everybody, welcome to a new video. Today we are going to discuss each and everything regarding MBA CET. This video is for freshers, so just in case any of the repeaters are watching this, aapke kisi kaam nahi aane wala ye video, so don't waste your time, just go and study. Let's begin. तो MBA CET, also known as महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और MHCET या MMSCET, एक ही बात है, एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी मदद से यू कैन अप्लाई फॉर महाराष्ट्र बेस्ड MBA colleges. इन केस यू क्रैक दिस एग्जाम एंड स्कोर डिसेंट इनफ, यू कैन अप्लाई फॉर MMS इन गवर्नमेंट colleges, एंड इफ़ यू स्कोर ठीक ठाक तो यू कैन अप्लाई फॉर PGDM इन प्राइवेट colleges. जनरली मार्च में होता है ये एग्जाम, लेकिन लास्ट ईयर पोस्टपोन हुआ था, तो 23rd, 24th and 25th ऑफ ऑगस्ट को हुआ था ये एग्जाम. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन स्लॉट्स, मतलब स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड सो ऑन, विच मीन्स कि ईच ऑफ यू फ्रॉम डिफरेंट स्लॉट्स विल हैव डिफरेंट पेपर्स विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल. तो अब यू वुड बी वंडरिंग कि यार अगर सबका अलग अलग पेपर है एंड डिफिकल्टी लेवल भी अलग है तो ये फेयर कैसे हो सकता है. आई टेल यू, ये डिफ़िकल्टी का डिफरेंस हटाने के लिए एक मेथड यूज़ होती है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन. आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन का हिंदी क्या है, नेवर माइंड, एग्जाम्पल देकर समझा. अगर स्लॉट टू का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट विल स्कोर लेस एंड कट ऑफ गिरेगा. ऑन द अदर हैंड अगर स्लॉट फोर का एग्जाम बहुत ईजी है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट विल स्कोर मोर एंड कट ऑफ बढ़ेगा. तब एक ही एग्जाम, एक ही कॉलेज, एक ही कट ऑफ, लेकिन एक को ईजी एंड एक को डिफिकल्ट, ये तो नाइंसाफी हुई ना. जस्ट टू अवॉइड दिस मैस नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, विच मीन्स कि ईजी पेपर वालों के मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड हार्ड पेपर वालों के मार्क्स बढ़ेंगे, समथिंग लाइक दैट. अब दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब ये कैसे सॉल्व होता है वही लोग जाने, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, नाउ लेट्स सी हु आर एलिजिबल फॉर MBA CET. तो anyone who has a bachelor's degree in any disciple from a recognized university with a minimum of 50% in aggregate and at least 45% in case of a reserved category candidate is eligible for MBA CET, as well as final year students or those who are awaiting their bachelor's degree results are also available and they can also apply for MBA CET. Again, students from other state can also apply for MBA CET, बेशर्ते आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए असली. एंड यू कैन अप्लाई फॉर ऑल इंडिया सीट्स, जहाँ का कट ऑफ स्लाइटली हाई होता है. अब MBA CET में हर कॉलेज में सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, अपने हाथ में नहीं है भाई, गवर्नमेंट ने किया है सब. बट देर आर ऑल्सो सीट्स रिजर्व फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स वेयर द कट ऑफ इज स्लाइटली हाई. अब बात कर लेते हैं सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम की. तो MBA CET is a 2.5 hour exam, which is 150 minutes, in which you have to attempt 200 questions, जिनमें each question carries 1 mark and there is no negative marking and no sectional time limit as well. अब sectional time limit क्या होता है? The exam is divided into 4 sections, which are logical reasoning, which has 75 questions for 75 marks, abstract reasoning, which has 25 questions for 25 marks, quantitative aptitude, which has 50 questions for 50 marks, and verbal ability, which has 50 questions for 50 marks. अब unlike other exams, यह sectional time limit नहीं होता. Sectional time limit मतलब एक section के लिए you will be allotted certain time frame, जिसमें you have to attempt all the questions of the exam. If you can make it, fantastic, good for you. If you can't, time up हो जाएगा and you will be directed to the next section. CET में ऐसा नहीं होता. 150 मिनट्स है बेटा, 200 क्वेश्चंस है, तुझे जैसे चाहे जिस ऑर्डर में चाहे आराम से सॉल्व कर. ओके, अब ये एग्ज़ाम CBT होता है, विच मीन्स आपको फिजिकली जाकर एग्ज़ाम सेंटर पे उनके सिस्टम पर बैठकर ही देना पड़ेगा. यू कैंट गिव इट फ्रॉम योर होम, नीदर कैन यू गिव अ पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो चीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं. ओके, अब ये एग्ज़ाम दो टाइप में होता है. पहले तो सेक्शन वाइज, लॉजिक है तो लॉजिक के 75 क्वेश्चंस आएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर वर्बल एंड सो ऑन. ऑन द अदर हैंड एग्ज़ाम जम्बल्ड भी होता है. जम्बल्ड मतलब कि पहले लॉजिक का एक क्वेश्चन आ गया, फिर क्वांट का क्वेश्चन आ गया, फिर से लॉजिक, फिर वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, क्वांट एंड सो ऑन.
समझे? ओके, तो अब दिस इज द डिटेल्ड सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस। इसके एक एक टॉपिक के साथ, एक एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ मैंने वीडियोज अपलोड किया है चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फिलहाल सिर्फ वर्बल का किया है, ये वीक में आई डू फॉर लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वांट्स एज वेल। अब ये तो हो गई एग्जाम की बातें, उसके बाद क्या? सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच एक्सेप्ट्स एमबीए सीटी स्कोर्स, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है जेबीआईएमएस। जेबीआईएमएस गीगा चैट है एमबीए कॉलेजेस का। अब जो लोग सच में सीरियस है करियर को लेकर, ऑल दिस टॉप 10 कॉलेजेस वुड रिक्वायर 100 प्लस स्कोर्स इन सीईटी आउट ऑफ 200। अब बोलोगे कि बस इतना सा 50%? अरे रुको बाबा, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। एनीवेज जोक्स अपार्ट, इफ यू आर सीरियस यू शुड टारगेट दिस 5 कॉलेजेस। इसके नीचे मतलब नहीं है, मतलब दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं, एंड ऑल दीज कॉलेजेस कैन प्रोवाइड यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एम बी ए सी टी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, देन यू वुड हैव टू फिजिकली विजिट ए आर सी सेंटर नियर यू एंड गेट देम वेरीफाइड। फिर आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे। इन द फर्स्ट कैप यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द कॉलेजेस यू डिजायर टू स्टडी इन। मैक्सिमम 300 कुछ यू कैन फिल आई गेस। अगर किस्मत एंड स्कोर अच्छा हो तो पहले 3 में ही मिल जाता है, एंड अगर आपको कॉलेज पसंद आ जाए तो यू कैन फ्रीज इट, और एल्स यू कैन फ्लोट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड विच इज़ द सेकेंड राउंड, फिर थर्ड, एंड इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फोर्थ राउंड विच इज़ द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जो आपको फिजिकली अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर अटेंड करना पड़ता है, एंड देन यू आर गुड टू बिगिन योर एमबीए जर्नी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड नाउ फॉर दोज ऑफ यू जो कह रहे थे कि सर 24 घंटे इनफ नहीं है यार, नहीं हो पा रहा प्रिपरेशन, तो आई टेल यू अ स्टोरी। मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरी नहीं है, छोटी सी है, 2 मिनट लगेंगे। तो एक प्रोफेसर होते हैं, फिलोसॉफी का क्लास चल रहा होता है और ऐसे कुछ चीज़ें रखी होती हैं उनके आगे। तो जैसे ही क्लास शुरू होता है, बिना कुछ कहे वो एक ग्लास का कैंडी का जार उठाते हैं एंड उसमें गोल्फ बॉल्स भरना शुरू करते हैं, एक के बाद एक बॉल्स जाते रहते हैं, एंड वंस इट रीचेस द लिड ये आस्क द स्टूडेंट्स की, हाँ भाई भर गया कि खाली है? तो कहते हैं सर भर गया, सर पूरा भर गया, यहाँ तक भर गया। तो सब बोले भर गया। तो उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठाए एंड जार को थोड़ा हिलाया एंड सारे पत्थर अंदर चले गए। तो कहते हैं हाँ भाई अब भर गया? तो सब कहते हैं हाँ सर अब भर गया। तो अब प्रोफेसर ने उठाई रेत एंड वो सारी रेत जार में उलट दी, रेत छोटी थी चली भी गई। तो कहते हैं अब तो भर ही गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स परेशान की बहन चुप, अब हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, भर तो गया है। तो कहते हैं अब कुछ नहीं जा सकता सर, अब तो पक्का भर गया। तो प्रोफेसर ने निकाली बियर, सारी उलट दी, लिक्विड थी चली भी गई। तो अब एवरीवन वाज शॉक्ड कि बहन चुप ये क्या हो गया। तो अब प्रोफेसर सडनली टर्न सीरियस एंड सेड कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जार को अपनी लाइफ की तरह देखो, ये जो गोल्फ बॉल्स है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी हेल्थ, अगर सब कुछ चले भी जाए एंड सिर्फ ये चीज़ें रह जाए तो भी योर लाइफ विल बी फुल। ऑल ऑफ अ सडन सब शांत हो गए। द प्रोफेसर कंटिन्यूड कि ये जो पत्थर है ना, ये बाकी सारी चीज़ है जो आपको मैटर करती है, जैसे कि आपका जॉब, आपका घर, आपकी कार, और जो रेत है ना वो बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ है। अगर आप रेत जार में अगर पहले डालोगे तो फिर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ही ज़िंदगी के साथ भी है, अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों पर वेस्ट करोगे ना, तो आपको कभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए विच आर क्रिटिकल टू योर हैप्पीनेस। स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गेट मेडिकल चेकअप, फोकस ऑन योर करियर, बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहेगी। जस्ट टेक केयर ऑफ द गोल्फ बॉल्स एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट, द रेस्ट इज जस्ट साइंड। तो एवरीवन वाज मेसमराइज्ड कि यार क्या बात कह दी। तो एक बंदा उठा
कहता है वो सब तो ठीक है, रेत पत्थर गोल्फ बॉल्स वगैरह, लेकिन ये बताओ ये बियर का क्या सीन है, बियर क्या था इसमें? तो कहते हैं आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, कहते हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी भी भरी भरी क्यों ना लगे, कितनी भी फुल लगे, देर इज ऑलवेज रूम फॉर सम एक्स्ट्रा बियर। तो एवरी वन बर्स्टेड आउट इन लाफ्टर। दैट्स हाउ द क्लास एंडेड। ओके ऑल राइट, दैट्स इनफ फॉर टुडे एवरीबडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट द नेक्स्ट वीडियो शुड बी आर।